यहाँ पे देखें, एसटी कॉलरिज पास पेपर कराची यूनिवर्सिटी एंड फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड सिंध यूनिवर्सिटी में जॉइन हुए. व्हाट एग्जैक्टली कॉलरिज ऑक्यूपाइड विद एंशिएंट मैरिनर? हाँ जी, कॉलरिज ने क्या क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है एंशिएंट मैरिनर के साथ? कॉलरिज ऑक्यूपाइड विद एंशिएंट मैरिनर. अब एंशिएंट मैरिनर में हमने अभी क्या क्या थीम्स पढ़ी थी? हाँ जी नौशीन, माइक ऑन कीजिएगा. क्या क्या पढ़ा अभी हमने एंशिएंट मैरिनर में? इसमें हमने रिलीजन की थीम पढ़ी है कि जो अगेंस्ट आता है रिलीजन तो डिस्ट्रक्शन आती है उसके लिए, और स्पिरिचुअलिटी उसकी जो ह्यूमन उसकी खत्म हो जाती है ये पढ़ा है। और हमने पढ़ा है कि हाँ नेचर के अगेंस्ट जो भी जाता है तो उसके लिए भी डिस्ट्रक्शन है। जैसे उसने बर्ड किल किया है मैरिनर ने, तो सब पे कर्स आ जाता है, सेलर्स पर भी और मैरिनर पर भी। और फिर वो थीम ऑफ रिपेंटेंस भी है ना, वो एंड पे रिपेंट भी तो करता है ना, थीम ऑफ रिपेंटेंस है. हाँ थीम ऑफ रिपेंटेंस में ये है कि पहले उसको लाइफ एंड डेथ जो है वो उस पे उसके साथ वो एक्सपीरियंस करता है, जिससे फिर उसके वो पेनेंस आती रहती है उसकी जिस टाइम। थीम और ऑफ फिर एंड में ये है कि रिपेंटेंस उसे और थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है और लाइफ वर्सेस डेथ है. ठीक है हाँ लाइफ वर्सेस डेथ है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली एंड द मैसेज. फाइनल मैसेज जो है वो यही है कि इंसान जो है वो प्रोन है टूवर्ड्स इवल और उससे खता होती है, लेकिन एट द एंड जो है वो गॉड की जो फॉरगिवनेस है और वो बहुत ज्यादा है. तो इंसान बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी ब्लेसिंग्स को नहीं जान पाता जो एक्चुअली उसको बहुत से तूफानों से बचा रही होती हैं. तो इसके अंदर हम जो है इमेजरी, ठीक है, बट एंशिएंट मैरिनर के अंदर जो इमेजेस उसने क्रिएटिविटी, वही वो पोएटिक क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं, तो इस पोएटिक क्रिएटिविटी जो है उसने बहुत सारे इमेजेस को कंबाइन किया है, एक शिप को, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को और बहुत सारे मेटाफिजिकल एलिमेंट्स को कंबाइन किया है और उनको हर जो इमेज है इटसेल्फ वो लाइफ और डेथ को पोर्ट्रे करता है, नेचर को पोर्ट्रे करता है, स्पिरिचुअलिटी को, रिपेंटेंस को पोर्ट्रे करता है. फॉर एग्जाम्पल, एल्बेट्रोस इज द सिम्बोलिज्म रिप्रेजेंटिंग अच्छा द नेचर इटसेल्फ, ठीक है, द सूदिंग इफेक्ट ऑफ द नेचर एक्चुअली. एंड ऑन द अदर हैंड, लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जो सोरो एंड डेथ एंड लाइफ ना, हैप्पीनेस एंड सोरो ना. तो अगर हम एल्बेट्रोस को हैप्पीनेस कहते हैं या एल्बेट्रोस का एक कूलिंग इफेक्ट है, ऑन द अदर हैंड सी का एक डिस्ट्रक्टिव भी इफेक्ट था कि वहां पे तूफान आते थे. विंड्स का भी दो तरह के इफेक्ट है. यहाँ पे देख लें, डिस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव वर्सेस कंस्ट्रक्टिव. अप्रोच, ठीक है, नंबर टू लाइफ के जो है ना, वो दो जो हैं, मतलब सोरो वर्सेस हैप्पीनेस ना. लाइफ इज नॉट ओनली अ बेड ऑफ रोजेस, ओनली अ बेड ऑफ रोजेस, इट हैज इट्स क्रूअल इफेक्ट टू. ठीक है, नेचर के उसने दो रोल्स दिखाए, थ्रू द सी जो कि एक डिस्ट्रक्टिव रोल था और थ्रू द एल्बेट्रोस जो कि एक फुल ऑफ लाइफ रोल था. ठीक है, और थ्रू द सुपर नेचुरल एलिमेंट उसने स्पिरिचुअलिटी को शो किया है कि इंसान जो है मोर्टल वर्सेस इमोर्टल कर ले इसको, मोर्टल वर्सेस इमोर्टल. ठीक है, मैन जो है वो मोर्टल है और स्पिरिट जो है वो इमोर्टल है. ठीक है, स्पिरिट मैन तो मर जाता, स्पिरिट नहीं मरता. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द स्पिरिट जो कि स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जो कि आपको अल्टीमेट लाइफ देती है. दैट इज नॉट द बॉडी और मटेरियल जो इंसान को लाइफ देता है. ठीक है, तो इन दिस सेंस वो फाइनली अपनी स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर लेता है. दैट्स वाई फिर उसको द मैसेज ऑफ लाइफ मिलता है. और मैसेज ऑफ लाइफ क्या है कि गॉड जो है वो बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है. अगर वो माफी मांगता है तो गॉड जो है वो हर चीज ठीक कर देता है उसकी.
ठीक है, एंड ही केम बैक टूवर्ड्स द लाइफ. और फिर वो तमाम मैसेज ऑफ गॉड जो है वो दुनिया को बताता है कि अगर वो नेचर को के खिलाफ नहीं जाएंगे, गॉड के खिलाफ नहीं जाएंगे, और अपने स्पिरिट के खिलाफ नहीं जाएंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो उनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी. अदरवाइज टूवर्ड्स ह्यूमन बींग, अगर इंसान से गलती होती है तो उसको जो है रिपेंट करना चाहिए. तो रिपेंटेंस में एक्चुअली लाइफ है. ठीक है, सेल्फ सेल्फ जिसे कहना चाहिए, डिस्कवरी में लाइफ है. ठीक है, एक इंसान जब अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर जाता है, अपने इनर कॉन्शियस कॉन्शियस तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसकी इनर कॉन्शियसनेस जाग जाती है, तो फाइनली फिर उसको न्यू लाइफ मिलती है. तो रिपेंटेंस गिव अ न्यू लाइफ टू अ मैन. ऑन द अदर हैंड, सेल्फ डिस्कवरी इज अ नेम ऑफ न्यू लाइफ, बिकॉज ही सेल्फ डिस्कवर हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई एक न्यू लाइफ उसके सामने फिर स्टार्ट होती है. और फिर वो लोगों को बताता है एक्चुअली कि न्यू लाइफ जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, कि आप गॉड के साथ जिए, आप नेचर के साथ जिए, और आप अपने साथ एक मजबूत ताल्लुक बना के रखें. ठीक है, तो इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज. ठीक है, तो वो उसने दिखाया यहाँ की कि फेथ इज बेसिकली द थिंग, कि आपके पास जो भी है वो ब्लेसिंग है. सो डोंट ट्राई टू किल एनी ब्लेसिंग, गॉड हैज गिफ्टेड यू. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद है, कॉलरिज एंशियंट मैरिनर कैन बी रीड आइदर एज एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ यूनिटेरियन थियोलॉजी ऑफ वन लाइफ एंड एब्सर्डिस्ट नाइटमेयर काउंटर वर्जन ऑफ एनार्की ऑफ स्पिरिट्स दैट वुड कम इन इट्स एब्सेंस, विच रीडिंग वुड यू एग्री. अब वो कह रहा है कि वो ये जो एंशियंट मैरिनर है, ये एक यूनिटेरियन थियोलॉजी ऑफ वन लाइफ है. कि यूनिटेरियन थियोलॉजी ऑफ वन लाइफ, इसको हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि यूनिटेरियन क्रिश्चियन बिलीव होता क्या. बेसिकली यूनिटेरियन क्रिश्चियन बिलीव दैट जीसस वाज इंस्पायर्ड बाय गॉड इन हिज मोरल टीचिंग, देन ही इज अ सेवियर, बट ही इज बट नॉट डिवाइन. ठीक है, अब वो ये बिलीव के जीसस जो है वो इंस्पायर्ड हैं बाय गॉड इन हिज मोरल टीचिंग्स. ठीक है, मोरल टीचिंग्स कहाँ से लेते हैं? जीसस क्रिस्ट, गॉड से. और जीसस क्रिस्ट वो सेवियर नहीं है, बल्कि वो डिवाइन है. जैसे हम कहते हैं ना, हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है वो एक्चुअली ही इज नॉट गॉड बट डिवाइन. ना, डिवाइन है बट ही इज नॉट, बट दैट इज अ सेवियर, बट नॉट सेवियर तो है लेकिन वो डिवाइन नहीं है, बट नॉट डिवाइन. ठीक है, तो वो मॉडर्न टीचिंग्स में गॉड से इंस्पायर्ड है, और दैट ही इज अ सेवियर, कि वो एक सेवियर है और वो डिवाइन नहीं है. ठीक है, यानी कि उनकी आप डिवाइन नहीं है, मीन्स के वो गॉड नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो एक सेवियर है एक्चुअली. यूनिटेरियन वॉज एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू रिस्टोर प्राइमिटिव क्रिश्चियन बिफोर, बट यूनिटेरियन सॉ एज लेटर करप्शन सेटिंग इन यूनिटेरियन जनरल रिजेक्टेड डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन. अच्छा बेटा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या था यूनिटेरियन. एक्चुअली हुआ ये कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की जो जब उनको आसमान पे उठा लिया गया और जिंदा उठा लिया गया था, ये तो सबको ही पता है, तो तकरीबन 300 साल बाद एक ऐसा फिरका आया था. ये अचानक से गॉड नहीं बना दिया था हजरत ईसा अलैहि सलाम को, हजरत मरियम अलैहि सलाम को, और फिर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को, उनको डिविनिटी का जो एक मकाम दे दिया गया था. तो ये जो यूनिटेरियंस होते हैं, एक्चुअली ये डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन, के भाई मैन ने वो जो ओरिजिनल सिन ये था कि मैन ने वो फल खा लिया था जिसकी वजह से उसको जन्नत से निकाला गया था. यूनिटेरियंस ये बात नहीं करते. जैसे हम मुसलमान है ना, तो सेम यही कॉन्सेप्ट क्रिश्चियंस का भी था. ये तो 300 साल बाद जाके उन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलाम को नाउज बिल्ला गॉड बना दिया था पहले, फिर हजरत मरियम अलैहि सलाम को उन्होंने गॉडेस बना दिया, एंड देन हजरत वो फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को. तो ये हुआ था एक्चुअली. जो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी में है उसमें ओनली वन गॉड कॉन्सेप्ट है. आप कभी ओल्ड बाइबल उठा के देखे ना, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें वन गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आएगा. दैट इज बेसिकली द यूनिटेरियन थियोलॉजी, जो कि रिजेक्ट करती है डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन. और वो ओरिजिनल सिन क्या था? वो एडम और ईव ने जो जन्नत का फल खा लिया था, ठीक है, तो उसकी वजह से इंसान को पनिशमेंट हुई थी. यूनिटेरियन इज अ क्रिश्चियन रिलीजियस डोमिनेशन. यूनिटेरियंस बिलीव दैट गॉड इज ओनली वन पर्सन. ठीक है, वन गॉड कॉन्सेप्ट होता है. यूनिटेरियंस रिजेक्ट द ट्रिनिटी. ठीक है, ये जो ट्रिनिटी थ्री गॉड कॉन्सेप्ट है, ये लोग ये रिजेक्ट कर देते हैं, एंड डू नॉट बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट वॉज द सन ऑफ द गॉड. तो मेजर जो मेन बेटा है ना यूनिटेरियन कॉन्सेप्ट, वो यही है. फॉलोअर्स ऑफ यूनिटेरियनिज्म आल्सो डू नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन एंड ऑफ एटर्नल पनिशमेंट फॉर
सिंस कमिटेड ऑन अर्थ, कि जी उनको पनिशमेंट मिली कि वो जी दुनिया में आ गए तो पनिशमेंट के लिए ही आए हैं या सफरिंग के लिए ही आए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. व्हाट वाज द मेन बिलीफ ऑफ यूनिटेरियंस? यूनिटेरियंस यूनिटेरियन यूनिवर्सलिस्ट क्लेम आर्थियोलॉजिकल ओरिएंटेशन दैट एस्पायर्स टू क्रिएटिविटी फ्रीडम एंड कंपैशन विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है. ये क्या करते हैं? एस्पायर करते हैं क्रिएटिविटी को, फ्रीडम और कंपैशन, रहमदिली को, विद रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंटरकनेक्टेड. मेंबर सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो मेंबर सीक करते हैं, इंसान एक स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर फील करता है, ठीक है. अगर हम पहले से ही ये सोच ले लो जी मैं तो बस पनिश ही किया गया हूँ, फिर इंसान को ग्रो करने की जरूरत क्या है? अगर हम दुनिया में पनिशमेंट के लिए ही आए हैं, उस ओरिजिनल सिन के लिए आए हैं, फिर हम तो ग्रो कर ही नहीं सकते, ठीक है. और अगर हम ये सोच लें कि जीसस क्रिस्ट की वजह से ही हमारा जो है वो हम जन्नत में चले जाएंगे, तो दैट इज, फिर तो इंसान को ग्रो करने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे इंसान जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ उसके अंदर शुरू होती है, और एंड जस्टिस मेकिंग थ्रू फेलोशिप, ठीक है. और जस्टिस जो है वो थ्रू फेलोशिप, पर्सनल एक्सपीरियंस, सोशल एक्शन और एजुकेशन, ठीक है. फिर यहाँ से वो उसका शुरू होता है. अब क्वेश्चन देख लें यहाँ पे क्या है कि कॉलरी टेंशन मैन कैन बी रीड आइदर एज एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ योर यूनिटेरियन थियोलॉजी ऑफ वन लाइफ, ठीक है, वन लाइफ की यूनिटेरियन थियोलॉजी पे, या फिर एन एब्सर्डिस्ट नाइटमेयर काउंटर विजन ऑफ एनार्की ऑफ स्पिरिट, या फिर वो कोई एब्सर्डिस्ट नाइटमेयर काउंटर विजन है एनार्की ऑफ स्पिरिट्स का, दैट वुड कम इन इट्स एब्सेंस, जो कि उसकी एब्सेंस में आता है, ठीक है. आखिर ये एंशियंट मैरिनर क्या है? तो बेसिकली वो यही है कि वो वन गॉड पे बिलीव करता है, ठीक है, और फाइनली जो है वो थी अब इंसान की ग्रोथ पे बिलीव करता है, ठीक है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बिलीव करता है, जो कि एक्चुअली उसको सेव करती है, ना कि कोई स्पिरिट उसको सेव करता है. अच्छा जी, द एंशियंट मैरिनर इज अ पोएम ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन रिवेंज ऑन दोज हु लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट इमेजिनेशन, ठीक है. अब यहाँ पे इमेजिनेटिव रिवेंज है उन लोगों के लिए जो कि विदाउट वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. अब इमेजिनेशन यहाँ पे बेटा एक्चुअली इंसान का सबकॉन्शियस है, ठीक है. हम जब तक अपनी इमेजिनेशन को लीड नहीं करते, वहां तक पहुंचते नहीं है, तो तब तक जो है हम विदाउट इमेजिनेशन, यानी कि एक इंसान जो अपने आप को नहीं पा गया, वो सेल्फ को नहीं एक्सप्लोर कर सका, तो यहाँ पे इमेजिनेशन इज बेसिकली द सी. उस सी के अंदर जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू द वॉयज, वो अपनी इमेजिनेशन तक जाता है, और फिर यहाँ पे इज अ पोएम ऑफ इमेजिनेशन रिवेंज ऑन दोज, ठीक है. ये पोएम ऑफ इमेजिनेशन है जो कि उन लोगों के लिए एक रिवेंज है जो कि इमेजिनेशन तक जाते ही नहीं है. तो क्योंकि एस्टी कॉलरिज को जो है एक पोएम ऑफ पोएट ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता था, और बहुत सारे क्रिटिक ने इसको रिब्यूक भी किया था इस चीज पे. तो उसने कहा कि विदाउट इमेजिनेशन ना आप ट्रू रियलिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो उसने ट्रू रियलिटी को थ्रू इमेजिनेशन, एक इमेजिन जिसको हम इसकी पोएटिक क्रिएटिविटी कहते हैं, उस पोएटिक क्रिएटिविटी के थ्रू, वो उस इमेजिनेशन के थ्रू उसने मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर किया. अच्छा जी, फिर द एंशियंट मैरिनर इज लोडेड ऑलमोस्ट एज कॉलरिज हिमसेल्फ फेल्ट ओवरलोडेड विद रिलीजियस सोशल एंड मोरल एंड साइकोलॉजिकल थीम. एंशियंट मैरिनर जो है वो लोडेड है ऑलमोस्ट कॉलरिज हिमसेल्फ, ठीक है, कॉलरिज हिमसेल्फ फेल्ट ओवरलोडेड विद रिलीजियस, जो कि ओवरलोडेड है विद रिलीजियस सोशल और मोरल एंड साइकोलॉजिकल थीम. अभी जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा कि जी हम कौन कौन सी थीम, तो बेटा ये सारी थीम्स आपने, साइकोलॉजिकल थीम, स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल, ये सारी आप लोगों ने. अब सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इंसान कैसे, देखिए वो एक सोसाइटी में रह रहा था, उस सोसाइटी का पार्ट क्या क्या था. सोशल थीम यहाँ पे क्या है कि नो मैन इज एन आईलैंड, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है. नो मैन इज एन आइलैंड, कोई इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता. आप जो करते हैं उसका असर सोसाइटी पे होता है, और जो सोसाइटी करता है उसका असर आप पे होता है. आप जो गलत कर रहे हैं उसका असर सोसाइटी पे होगा. अब बाकी सेलर्स का क्या कसूर था जो वो मर गए थे, ठीक है. अब किसका असर हुआ, एंशियंट मैरिनर का. वो जो एल्बेट्रोस था जो कि शूटिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर था, वो सोसाइटी का पार्ट था, ठीक है. वो एंशियंट मैरिनर और उन सबको एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा था, बट जब इन्होंने उसको किल किया तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उस सोसाइटी के ऊपर. तो हमारा ईच एंड एवरी जो एक्शन होता है ना, वो इस सोसाइटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. हम कहते हैं ना बस भाई मेरा बच्चा ठीक है तो सब ठीक है. नहीं जी, ऐसा नहीं है. आपका बच्चा खराब है, वो सोसाइटी में जाएगा 10 लोगों को थप्पड़ भी मार के आएगा, ठीक है, और उस थप्पड़ की वजह से जो रिएक्शन होगा वो उससे भी ज्यादा बुरा होगा, तो वॉयलेंस फैलेगी.
ठीक है, तो दैट्स व्हाई एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, अंदर से आप ठीक होंगे तो इर्द गिर्द के लोगों को भी फायदा होगा, तो चैरिटी हमेशा अंदर से शुरू होती है, ठीक है, बाहर से नहीं शुरू होती। अच्छा जी बेटा, ये लास्ट टू जो क्वेश्चन है ना, ये हम इंशाल्लाह कल ये लास्ट क्रिस्टेबल कर लें, फिर हम इंशाल्लाह करते हैं। लेकिन ये यहाँ तक नौशीन मुझे बता दें, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकती हैं आप। नहीं।